हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करनी है। बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं जो आपने पढ़ी होंगी, सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, तो उन सब के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने कहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी वो ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ये आपने कहीं पढ़ा हुआ है। दूसरी मेन आइडेंटिटी जो आप पढ़ते हो वो है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी आपने कहीं पर सुनी होगी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं इसको। और फोर्थ आइडेंटिटी टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड फिफ्थ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वो आइडेंटिटी हैं, सबसे बेसिक वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी यही वाली हैं और इन्हीं से बहुत सारी आइडेंटिटी को ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी तो मैंने पढ़ी है, आपको बताया भी दिया किसी ने कि भाई ये आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी आई कहाँ से? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है? क्या मैं इसको याद कर लूँ या मैं इसको समझूँ कि ये क्यों होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। कितने मेथड से प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ? तो आंसर है, मैं एक मेथड से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और बाकी के दो मेथड आप उनका वेरिफिकेशन कह सकते हैं या उनको ड्राइव करने का भी मेथड कह सकते हैं। तो टोटल तीन मेथड की हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सेकंड पर जाएंगे, उसके बाद थर्ड मेथड पर जाएंगे, इन सभी आइडेंटिटी को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहला हमें बात करनी है इस आइडेंटिटी के बारे में, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर किया। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल में सपोज दैट एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? एक ट्रायंगल कंसीडर करना है ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो आप सभी जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सबने पढ़ा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो सबने पढ़ा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात ठीक लगती है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से AC के स्क्वायर से डिवाइड करा रहा हूँ, डिवाइड बाय AC स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, करा देते हैं, AC का स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। मैंने अपनी तरफ से क्या किया, AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करा दिया। ये देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा था, इसके नीचे अपनी तरफ से क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये मैं करा सकता हूँ। ठीक, इधर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इस ए सी स्क्वायर को सेपरेट करो, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इस ए सी स्क्वायर को इसके नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा, वन। ठीक, इस क्वांटिटी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसको बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ से वन इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, बेस। ठीक है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने देखा ए बी बी बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिखा
बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर है AC हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, हमने ये रूल कहीं पढ़ा है PBP अपॉन HHB, इसमें ये साइन होता है और ये कॉस होता है, तो P अपॉन H कहीं लिखा हो तो उसको क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, और B अपॉन H कहीं लिखा हो तो उसको क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो ये देखो B अपॉन H लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे कॉस थीटा, P अपॉन H लिखा है इसको क्या लिख देंगे साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है वन। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है वन के इक्वल। ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ किया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक एबीसी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो ये जो मेथड है इसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया है। पाइथागोरस थ्योरम लेकर चला, इसको फिर अपनी तरफ से एसी स्क्वायर से डिवाइड कराया। हमें कैसे याद रहेगा कि एसी स्क्वायर से डिवाइड कराना है, तो मुझे इस वाली साइड में क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, वन चाहिए ना, तो देखिए एसी स्क्वायर से डिवाइड कराओ तभी तो वन आएगा यहाँ पर, है ना। तो AC स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब AB अपॉन AC जो है, AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है कॉस थीटा। BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई नंबर वन। जब ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है तो ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, इसके साथ साथ कुछ और आइडेंटिटी भी बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रखो इक्वल्स टू वन चल रहा था और कॉस स्क्वायर थीटा इधर लेकर आ जाओ ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सब आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी के साथ एक और तरीका है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखो और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाओ, तो ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। तो आपके पास ये मेन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहाँ से दो आइडेंटिटी और बनाई जा सकती हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी ठीक है। तो आपने पहला मेथड देख लिया कैसे प्रूफ करते हैं इसको ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हम कैसे प्रूफ करें। तो आंसर है मैं सब कुछ ऐसे ही लेकर चलने वाला हूँ, अभी मैंने किससे डिवाइड किया था ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, बस इसकी जगह कुछ दूसरा टर्म रखूँगा और ये प्रूफ हो जाएगा ठीक। कैसे होगा दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट एक एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी ठीक, ट्राइंगल ए बी सी में यहां एंगल बन रहा है थीटा। ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, वो होता है ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ठीक। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय ए बी का स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है करा देता हूँ। देखिए ध्यान से, ए सी स्क्वायर अपॉन में क्या ए बी स्क्वायर, इधर भी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरह पे ए बी स्क्वायर से डिवाइड कराया है तो इधर भी ए बी स्क्वायर से कराएंगे और उस ए बी स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे।
ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। ए बी स्क्वायर से इधर भी कराया और सेपरेट कर दिया। अब यहाँ देखिए आप, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? वन। बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आ गया, ये बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और इधर ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। बी सी, बी सी कहाँ है? ये है, परपेंडिकुलर है ये यहाँ पर, क्योंकि एंगल यहाँ है, बी सी परपेंडिकुलर है। ए बी, ए बी क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? तो आंसर है टेन थीटा होता है ये। ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है, और ए बी क्या है? बेस। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? तो आंसर है ये सेक थीटा होता है। ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, सेक थीटा का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फर्स्ट लेक्चर से बार बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, वो आपको याद हो जाने चाहिए। अदरवाइज पी बी पी अपॉन एच एच बी करके देखो, वहाँ से देख सकते हो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, तो इस क्वांटिटी से हमने देखा कि वन ये स्क्वायर कहाँ आता है? यहाँ, ये थीटा का स्क्वायर यहाँ लिखने की गलती ना करें। इसको कैसे लिखा जाता है? वन प्लस होल स्क्वायर है तो ये ऐसा आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्रूफ हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। ठीक, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से आप और भी ज़्यादा आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे? टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रख रहा हूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा यहीं रखा, सेक स्क्वायर थीटा यहीं रखा, ये वन उधर ले जाकर माइनस कर दिया। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और क्या बन सकता है? इस बार वन यहीं रखो, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो ये एक आइडेंटिटी आ जाएगी। ये आपके पास मेन आइडेंटिटी है, ये सेकेंड इसी की आइडेंटिटी बन जाती है, इसी से ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, ये समझ आया आपको? टेन स्क्वायर थीटा यहीं रखा, वन उधर ले जाओगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। वन इधर ही रखो, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वन के इक्वल आ जाएगा। एक आइडेंटिटी ये बन जाती है आपकी। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी प्रूफ करना हमें आता है। अब एक और नेक्स्ट आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। सपोज दैट फिर से मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ एंगल बन रहा है। ओके, सेम प्रोसीजर चलने वाला है। सेम प्रोसीजर क्या चलने वाला है? ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम? ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? तो आंसर है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है किसी नंबर के स्क्वायर से, किसी साइड के स्क्वायर से। तो इस बार मैं किससे डिवाइड करूं? तो मैंने माना कि मैं इस बार बी सी के स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा। ए सी का स्क्वायर, यहां पहले मैं लिख देता हूं, डिवाइड बाय व्हाट? बी सी स्क्वायर। इससे पहले हमने किससे डिवाइड किया था? ये देखिए, ए बी स्क्वायर से, उससे पहले ए सी स्क्वायर से किया था, और इस बार हम बी सी स्क्वायर से करने वाले हैं बोथ साइड। ठीक, कराते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कराइए, यहाँ भी बी सी स्क्वायर से कराइए और सेपरेट कर दीजिए उसको। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ रही है समझ में? बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल,
वन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी बेस, बी सी परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है कॉट थीटा, ठीक। ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है हाइपोटेनस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है कोसेक थीटा। मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर याद है तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की जा सकती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आ सकता है आपको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अगर आपने यहीं याद किए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये सब क्या चल रहा है। इसके लिए आप एपिसोड 1, 2, 3, 4 देखिए, तब कुछ बात समझ में आ सकती है। कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई, और इससे और भी ज़्यादा आइडेंटिटी बना सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं रखिए, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक। और क्या बना सकते हैं आप, 1 यहीं रखिए, 1 यहीं रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस में क्या ले जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये मेन आइडेंटिटी मानिए, और इसी से आप और भी ज़्यादा आइडेंटिटी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और आइडेंटिटी दिखा देता हूँ, आइडेंटिटी नंबर 4। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस। बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या, ए सी, ठीक। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। यहाँ आप देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये तो बी सी अपॉन ए बी ये किसके इक्वल आएगा, तो आंसर है बी सी हमारे पास है परपेंडिकुलर, ए बी हमारे पास क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। क्या कहते हैं हम, टेन थीटा। तो हम क्या लेकर चले थे, साइन अपॉन कॉस, और ये किसके इक्वल प्रूफ हो गया, टेन थीटा के इक्वल प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक छोटी वाली एक आइडेंटिटी है जो बहुत काम आने वाली है आपके, दिस इज फोर्थ आइडेंटिटी। अब फिफ्थ भी आप कर सकते हो, आप जानते हो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, तो आंसर है टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या निकल जाता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा देखिए, 1 अपॉन टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ से कॉट थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन थीटा, ये, ठीक। तो फोर्थ भी आ गया, फिफ्थ भी हो गया। तो आपने जब ये वाला मेथड देखा, तो इन मेथड में आपने एक चीज़ देखी कि जब हमने स्टार्टिंग की तो कहाँ से स्टार्टिंग की, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग किससे की, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो ये जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई हैं ये सब आइडेंटिटी, ये किस मेथड से प्रूफ करके दिखाई हैं, तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके दिखाई हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको छोड़कर क्या कुछ और तरीका है इनको प्रूफ करने का, तो आंसर है हाँ, हमारे पास दो मेथड और हैं जिनसे इनको प्रूफ किया जा सकता है, या आप कहें वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए वो मेथड देख लेते हैं। सेकंड,
सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो जब हमने पहला मेथड पढ़ा था तो पाइथागोरस थ्योरम से किया था उसको, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए, साइन थीटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, इसमें थीटा यहाँ बन रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। ये सेकंड मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल्स टू, आगे सॉल्व कीजिए, ये क्या आएगा, पी का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इधर क्या चल रहा है, बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर और ऊपर क्या चल रहा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आपको फर्स्ट वाले मेथड में ये लगता है कि उसमें डिवाइड करना याद रखना पड़ेगा किससे डिवाइड किया जाए, तो ये मेथड बेस्ट है। यहाँ आपको याद नहीं रखना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर ये क्या होता है, तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, वन। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रखो यहाँ पर, इस स्टेप पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो और ये आंसर आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप और भी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हो, जैसे सपोज दैट ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना चाहते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा के। तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड लेकर चलो। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 ऐसे ही ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल है तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया। ठीक, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फिर से क्या कह सकते हैं इसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर और नीचे क्या चल रहा है, बेस का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। हाइपोटेनस अपॉन बेस ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो आंसर है ये सेक थीटा होता है। तो ये आ गया हमारे पास सेक थीटा का होल स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सॉल्व करके देखा तो आंसर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी सॉल्व किया जा सकता है, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब ये होता है या नहीं होता है हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 ऐसे ही ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ठीक है। अब 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा,
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक, अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये हम याद कर चुके हैं, ये क्या होता है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ठीक, तो हमने इसमें स्टार्टिंग कहाँ से की, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट किया, और बीच में जब एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इससे पिछला जो मेथड था उसमें पाइथागोरस से स्टार्ट किया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लास्ट में यूज किया, तो ये दोनों मेथड हैं तो एक ही, लेकिन आपको जो अच्छा लगता हो, जो ईजी लगता हो, वो आप कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस वाले से करते हैं, स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि डिवाइड किससे करना है। ठीक है, अगर आप हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये बात आप याद रखिए। दूसरा, अगर आप बेस से डिवाइड कर देते हैं, सपोज दैट आपने बेस से डिवाइड किया, तो आपको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड फॉर्मूला मिलता है। अगर आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आपको थर्ड फॉर्मूला मिलता है। ये बिल्कुल आसान है, इसको याद रखना, लेकिन ये भी मेथड बहुत आसान है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। अब इसके बाद क्या कोई और तरीका है जिससे इसको प्रूफ किया जा सकता है, तो आंसर है यस। मैं आपको एक फॉर्मूले के लिए करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बता दिए हैं, इन किसकी वैल्यू क्या क्या होती है, 30, 0, 90 है ना, ये सब बता रखा है आपको। तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए देखिए, चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक, तो ये देख लेते हैं वेरीफाई करके। साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 1 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 1। तो यानी कि ये थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए करेक्ट है फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी करेक्ट है, ये वेरीफाई हो गया। क्या जरूरी है कि ये थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए ही ठीक है, 90 के लिए चेक कर लें, तो आंसर है ठीक है, 90 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, साइन 90 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का स्क्वायर, यहाँ पर साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी एंगल के लिए देख रहा हूँ मैं, तो आंसर यही आ रहा है। ये तो 0 और 90 के लिए दिखाया, सर किसी एक एंगल और दिखाइए, तो ठीक है 30, 45, 60 जो आपका मन करता हो वो यहाँ पर पुट करके देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें बोला गया कि प्रूफ करो ये 1 होता है, तो आपने पूछा किस एंगल के लिए करके दिखाऊँ। सपोज दैट सामने से कहा कि 30 डिग्री के लिए बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं फॉर्मूला, तो करके देख लिया, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, LCM लिया 3 और 1 4/4, आंसर कितना, 1। तो आपने देखा कि इन आइडेंटिटी को अगर आपको एंगल याद हैं तो एंगल की हेल्प से भी प्रूफ किया जा सकता है, या मैं कहूँ वेरीफाई किया जा सकता है कि ये सारी आइडेंटिटी किसी भी एंगल के लिए करेक्ट है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए ही नहीं है, ये आप किसी भी एंगल के लिए कर सकते हैं, सेकंड आइडेंटिटी के लिए भी कर सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी, किसी भी आइडेंटिटी की बात करें तो ये सबके लिए कैसे होते हैं, करेक्ट होते हैं। मैंने ये एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा दिया है। तो तीन मेथड हैं आपके पास, या मैं कहूँ एक मेथड है और दो वेरिफिकेशन के तरीके हैं। ठीक है, पहला पाइथागोरस से स्टार्ट करो और फिर लास्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करिए और प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करो, ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम को बाद में यूज करो और ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका,
तीसरा ये कि आप किसी भी एंगल के लिए इनको वेरीफाई करके दिखा दो कि ये रिलेशन करेक्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास तीन मेथड आ चुके हैं जिससे आपने इन आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया है।